अभी कुछ दिन पहले ही वृंदावन से फेसबुक लाइव कर रहे तेज प्रताप यादव अपने फॉलोअर्स को राधा कृष्ण की रासलीला के बारे में बता रहे थे। तरह तरह का रासलीला वगैरह का वहाँ आयोजन किया था और वहाँ भी मुरली वादन और शंखनाद किया था। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो एक हफ्ते के अंदर अपनी राधा रानी यानी पत्नी ऐश्वर्या को तलाक देने जा रहे हैं। दरअसल कई बार भगवान कृष्ण के गेटअप में नजर आ चुके तेज प्रताप का कहना है कि ऐश्वर्या कभी उनकी राधा बन ही नहीं पाई। तेज प्रताप द्वारा ऐश्वर्या को तलाक देने की खबर देखते ही देखते वायरल हो गई। जिस जोड़े को अभी कुछ महीने पहले ही उनके चाहने वालों ने साइकिल पर इस रोमांटिक पोज में देखा था, वो अब अलग होने की खबर सुनकर सकते में आ गए हैं। बेटे के फैसले से सबसे ज्यादा धक्का माँ राबड़ी देवी को लगा है, जिन्होंने अपनी बहू को लक्ष्मिनिया यानी अच्छे लक्षण वाली बहू बताया था, यानी जिसके आने से घर में कई खुशियां आई थी। बताया जा रहा है कि घर वालों ने तेज प्रताप को मनाने, समझाने और सुलह की कोशिशें भी तेज कर दी हैं, लेकिन तेज प्रताप भी मीडिया के सामने आए और कह दिया कि घुट घुट कर जीने से कोई फायदा नहीं। ऐसे में समझा जा सकता है कि सुलह की कोशिशें अब कोई असर नहीं छोड़ पाई हैं। इसी साल मई महीने में जब तेज प्रताप और ऐश्वर्या ने साथ फेरे लिए थे तो इस हाई प्रोफाइल शादी की चर्चा हर तरफ हो रही थी। शादी की तस्वीरें मीडिया में छाई हुई थी और जोड़े को आशीर्वाद देने कई हाई प्रोफाइल लोग पहुंचे थे। बहरहाल तेज प्रताप ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पटना सिविल कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी है। इस धारा के तहत पति या पत्नी में से कोई भी एक तरफा तरीके से तलाक मांग सकता है। अर्जी में उन्होंने अपने साथ क्रूरता होने और टॉर्चर होने की बात कही है। अभी इस मुद्दे पर ऐश्वर्या का पक्ष आना बाकी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।